हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इजी एंड टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप मैदा ले लिया है। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। एक चम्मच ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें कलौंजी डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। डो पे हम आधा चम्मच ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर देंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब फिलिंग के लिए मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू ले लिए। अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। इसमें हम 2 चॉप किए हुए अनियंस डाल देंगे, 2 चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे का पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब ये पेस्ट रेडी हो गया है। डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां लेकर इसकी पतली शीट रेडी कर लेंगे। ये हमने शीट रेडी कर लिए। अब हम आलू की फिलिंग को इसमें रख देंगे और इसके साइड्स को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसे रोल कर देंगे और लास्ट में हम मैदे का पेस्ट लगाकर इसे सील कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आए। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। अब हम इन सारे रोल्स को फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे।
बीच बीच में हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अभी सारे रोल फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हमारे सारे पोटैटो रोल्स बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।